एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है ट्रेड के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है डिफेंस डिटेक्टिव। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे देंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। इंशाल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे, हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे। कल तक हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान आज घुटनों पर आ चुका है। कल तक भारत से 300 जंगे करने की कसमें खाने वाले पाकिस्तान आज भारत की तरफ मदद की उम्मीद लिए हुए दिख रहा है, गुहार कर रहा है। कल तक भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान आज भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में इन दिनों बस एक ही आवाज गूंज रही है, इंडिया इंडिया इंडिया। कंगाल पाकिस्तान को यह बात समझ में आ चुकी है कि भले ही वो आईएमएफ से भारी भरकम लोन ले ले, चीन से मोटा कर्जा ले ले, सऊदी अरब और ईरान से भी इन्वेस्टमेंट करवा ले, लेकिन उसकी कंगाली, उसकी बदहाली, उसकी फटेहाली तभी ठीक होगी जब वो भारत से अपने संबंध सुधारेगा, जब भारत के साथ ट्रेड शुरू करेगा। पाकिस्तान के बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स तो शुरुआत से इस बात को जानते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी अकड़ में भारत से ट्रेड बंद कर अपने ही देश की इकोनॉमी की वाट लगा दी। अब जब पाकिस्तानी इकोनॉमी डूब रही है तो उसे एक बार फिर जो है वो भारत याद आ रहा है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की हेडलाइन को देखिए, लिखा है पीएम शहबाज को कहा गया कि वो भारत से रिश्ते ठीक करें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 24 अप्रैल यानी कल कराची दौरे पर थे। यहां उन्होंने देश के कई बिजनेसमैन से मुलाकात की। कराची में पाकिस्तान के टॉप कारोबारी आरिफ हबीब ने एक ऐसी बात कह दी जिसने शहबाज को झटका दे दिया। आरिफ ने शहबाज से सीधे सीधे भारत से ताल्लुकात ठीक करने की बात कही। हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे देंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। शहबाज शरीफ ने भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस बात के इंडिकेशन जरूर दिए कि सरकार कारोबारियों से बात करके ही पॉलिसीज बनाएगी। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने बनाना है आपके साथ मशवरा करके, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आंसर टू योर क्वेश्चन कि हमें इस रास्ते पे चलना है। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इंशाल्लाह आई विल नॉट फेल यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन आरिफ हबीब की बातों से उस मीटिंग में मौजूद हर कारोबारी अग्री कर रहा था। असल में ये वो मांग थी जो 2019 से ही पाकिस्तान के हर कारोबारी के दिल में थी। एक महीने पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी ही बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत से कारोबारी रिश्ते बहाल करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 2023-24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है।
तो भाई ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने की जरूरत महसूस होने लगी? ऐसा क्या हो गया कि फॉरेन मिनिस्टर तो छोड़िए, लोग पाकिस्तान के पीएम तक के सामने भारत की बात करने लगे हैं, बताने लगे हैं कि भारत पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन के हेडलाइन को देखिए, लिखा है पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार बंद करने का फैसला किया। यह खबर 10 अगस्त 2019 की है। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। भारत ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो था वो खत्म कर दिया था। इससे पाकिस्तान बौखला गया। इमरान ने बगैर सोचे समझे भारत से सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की कैबिनेट ने बायलेटरल ट्रेड सस्पेंड करने के 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे। पहली नोटिफिकेशन में हर तरह के एक्सपोर्ट बंद करने का ऑर्डर दिया था और दूसरी नोटिफिकेशन में भारत से हर तरह के सामानों को इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट पर 200% का टैक्स लगा दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के नाम पर पागल हो गए पाकिस्तान के लिए भारत से ट्रेड बंद करने का फैसला आत्मघाती साबित हुआ। भारत पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन था। पाकिस्तान भारत से साग सब्जी डेयरी प्रोडक्ट्स चाय कॉफी मसाले और दवाइयां तक इंपोर्ट करता था। पर अब जब उसने भारत से ट्रेड बंद कर दिया तो इसका नुकसान तो उसे होना ही था ना। इस्लामाबाद में भारत के हाई कमीशन की वेबसाइट पर दोनों देशों के बीच ट्रेड की डिटेल दी हुई है। इसमें 2003-2004 से 2018-19 तक दोनों देशों के बीच हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी है। इसमें आप 2018-19 के आंकड़ों पर नजर डालिए। उस साल दोनों देशों के बीच हुआ टोटल ट्रेड 2,561.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। यह 2017-18 के मुकाबले 6% ज्यादा था। अब देखिए कि पाकिस्तान भारत से क्या क्या इंपोर्ट करता था। इसमें कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एनिमल फूड, फूड प्रोडक्ट्स, सब्जी, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फिलामेंट, कॉफी, चाय मसाले, डाई, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और दवाएं। लिस्ट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये वो टॉप प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट करता था। जबकि भारत मूल रूप से कॉपर, सल्फर, खजूर, एवोकाडो जैसे फल, ऊन और ग्लासवेयर इंपोर्ट करता था। भारत से ट्रेड करना पाकिस्तान के लिए हमेशा से सहूलियत भरा रहा। जरूरत की चीजें ना केवल आसानी से मिल जाती थी बल्कि उन्हें लाने ले जाने में समय और पैसे दोनों की बड़ी बचत होती थी। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने भारत से कारोबार तो बंद कर दिया, लेकिन अब उसके सामने उन प्रोडक्ट्स की कमी को दूर करने की चुनौती थी जो वो भारत से वो चुनौती पूरी कर लिया करता था, वो चीजें ले लिया करता था। कॉटन, केमिकल्स, डाई जैसे प्रोडक्ट की वजह से पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में कामकाज पर असर पड़ने लगा। कॉटन की कमी ने तो पाकिस्तान की कपड़ा मिलों की रफ्तार धीमी कर दी, टेक्सटाइल सेक्टर को तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान को अमेरिका और ब्राजील से कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी महंगे दाम पर, और डॉलर में जा रही इसकी भारी भरकम पेमेंट उसके फॉरेन रिजर्व को चूस रही है और सैकड़ों मिलें बंद हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत खाने पीने के सामानों को लेकर हुई है। आलू, प्याज, अंडे, साग सब्जी सबके दाम पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं और वहां के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी और वो ये कि हम अक्सर वीडियोस में ये कहते आए हैं। पहले तो एक वो कहते हैं ना कि एक सियासी तौर पे अगर बात करें तो जैसे इमरान खान है, उनके बारे में जो है ना, वो कहते हैं ना एक पर्सनालिटी भी होती है। वो जब भी उनकी पर्सनालिटी को देख के यही कहा जाता है कि इंडिया के साथ जो है ना ये ताल्लुकात नहीं, मतलब नहीं बनती है उनकी इंडिया के साथ, वो नहीं, उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे। इसी वजह से जो है उनके दौर में यही हुआ कि सारी ट्रेड वगैरह बंद कर दी गई। लेकिन इनिशिएटिव जो है वो इंडिया की तरफ से पहले लिया गया, जो आर्टिकल 370 और 35A आई थिंक जो का जो वो था डिसअप्रूव उसको किया गया था, मतलब हटाया गया था उसको। तो उस टाइम पर ये बंद कर दिया गया। और जो हम लोगों ने जैसे ये नून लीग की गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान में, तो हम लोगों ने कहा था कि नून लीग के जो ताल्लुकात है ना वो इंडिया के साथ अच्छे रहे हैं। अगर हम माजी में भी देखते हैं तो इनके ताल्लुकात जो है ना इंडिया के साथ अच्छे रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ, और वैसे भी उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। ये गवर्नमेंट का भी होता है। अभी हम लोग जैसे इनकी गवर्नमेंट आई थी तो हम लोग कह रहे थे कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि इंडिया के साथ टर्म्स जो है ना वो टर्म्स इन द सेंस के ट्रेड वगैरह के लिए, वैसे तो जाहिर सी बात है इनके टर्म्स एक ही जगह पे अटके हुए हैं, वो है कश्मीर। वो जब तक सॉल्व नहीं हुआ तो वैसे टर्म्स तो इनके सही नहीं होंगे, लेकिन चलो इन द सेंस के ट्रेड वगैरह हो जाए जैसे पहले होती थी
तो ये हम लोग पहले भी बोलते आ रहे थे। रही बात अब ये कि ये लोग खुद तो जारी सी बात है वो स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर खुद लेंगे तो ये बुरे बन जाएंगे। अब ये लोग मतलब वेट कर रहे हैं कि कारोबारी जितने भी लोग हैं ना वो हमसे ये बात की, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड सी बात है यार। आप जो हो वो कहीं दूर से जो चीज आप इम्पोर्ट करोगे ना, आपको जारी सी बात है आपको डबल ट्रिपल दामों में मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम इसको अपने ही उसमें लेते हैं ना, अपने यहाँ से अपनी मौजूदा जिंदगी से अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें, अगर हम एक चीज अपने डोर स्टेप से अगर दो तीन कदम आगे ले कोई दुकान है वहां से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हम पैदल जाएंगे वहां से लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज हम किसी दूसरी दूर कहीं मार्केट है वहां से लेने जाएंगे तो हमें किराया भी लगेगा, उसके भी पैसे हैं, फिर हमें जो है वो एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी कि भाई हमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो चीज लेकर आ रहे हैं, दूर से लेकर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें बीच में आती हैं। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ ट्रेड करेंगे तो इसमें हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है, वो बेशक इस चीज को माने या ना माने उनका भी उसमें फायदा है, और हमारा तो ज्यादा जाहिर सी बात है अगर उनका 50% है तो हमारा 100% है, क्योंकि हम जो है हमारी एक तो वो नीड भी पूरी हो रही है, हमारा एक तो जैसे वो कारोबारी सिस्टम जो है वो ठप हो गया था, जैसे इन्होंने कॉटन का बताया या जैसे और चीजों की, हमें हमें सब्जियां हमारी यहाँ पर इतनी महंगी महंगी है जिसकी कोई हद नहीं है, तो अगर यही चीज अगर इंडिया से हम लोग इम्पोर्ट करेंगे तो कितना मतलब हमारे लिए फायदा है, और हमारी जितनी भी जो कारोबारी जरूरियात है वो पूरी होंगी, हमारी जो डेली जरूरियात है वो हमारी पूरी हो सकेंगी। अभी जैसे रिसेंटली हम लोग देख रहे थे कि मेडिसिन का शॉर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, तो वो हमारा पूरा, जैसे कोविड के दिनों में जो पैनाडॉल थी ना वो मिलनी बंद हो गई थी, वो मतलब इतनी शॉर्ट हो गई थी ना कि वो मिल ही नहीं रही थी। या ये लोग क्या करते हैं कि रख लेते हैं, जब उनकी प्राइस ज्यादा होगी तब हम देंगे जी, तो ये चीज इसको जो है वो टैकल किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको चाहे अब कोई भी इंडिया का बंदा ले लो या पाकिस्तान का, उसको किसी भी रंग में देखे, मेरे ख्याल से आपके जो डिप्लोमेसी टर्म्स कैसे भी हो लेकिन ट्रेड वगैरह को बंद नहीं करना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड से जो है वो दोनों मुल्कों का फायदा, एक का नहीं है दोनों का फायदा। बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे ना सबसे पहले जितने भी मीडिया ना उसको सलूट करूंगी तंजिया तौर पर, जैसे भाई साहब जो है इन्होंने अपनी वीडियो स्टार्ट की जी पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान पहले इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे करता था, फिर जो है अब इंडिया इंडिया कर रहा है। मतलब अगर अगर आप हाथ बढ़ाना भी चाहो ना तो ये मीडिया वाले छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के, अभी उन्होंने आपस में ही बात किया कि हमें इंडिया के साथ जो है ट्रेड करनी चाहिए, लेकिन ये मीडिया वाले जो है ना हर खबर के ऊपर इनकी नजर होती है कि हमें कोई ऐसी खबर मिले हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा के करें कि मतलब पता चले कि वाकई कोई सनसनीखेज खबर जो है ये बन गई है। मतलब इस तरह के ये जो मीडिया वाले ना काम करते हैं। पाकिस्तान ठीक है अभी उसके हालात जो है वो बुरे हैं इकोनॉमिक के लिहाज से अगर हम देखा जाए, पर इतने भी बुरे नहीं है कि अब घुटनों पे ही आ गए कि इंडिया अगर हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा तो हम तो मरे ही जा रहे हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं हो रहा। ठीक है पाकिस्तान को इस चीज से नुकसान हुआ है, हर गवर्नमेंट आती है, जैसे अगर इमरान खान की बात करें हर गवर्नमेंट आती है या कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपनी पॉलिसीज बनाती है और वो चाहती है कि मेरी जो पॉलिसी मैं बनाऊं ना वो पिछली गवर्नमेंट से बहुत अच्छी हो, मैं लोगों के दिल जीतूं। इस तरह इमरान खान ने आके जो है वो इंडिया के साथ चीजें बंद की, तो उसने शायद सोचा होगा कि नहीं हम इंडिया से अगर ट्रेड को खत्म करते हैं तो क्या पता हमारी मुल्क जो है वो ज्यादा तरक्की करे और लोगों के साथ लोगों के दिलों में मैं घर कर लूं। कश्मीर की उसने बहुत ज्यादा बात की, इस तरह की उसने आके अपनी पॉलिसीज बनाई। चलो उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उसको पॉलिटिक्स का भी इतना ज्यादा जो है वो कहते हैं ना मंझा हुआ नहीं था, उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर हम नून लीग की या दूसरी गवर्नमेंट की कोई दूसरी जितनी भी वो है पार्टीज है उनकी बात करें वो तो फिर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब नून लीग को पता है कि कैसे जो है वो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बनाना है जिससे जो है वो पाकिस्तान को फायदा होगा। अब उनकी गवर्नमेंट आई है उनको पता चला कि यह पाकिस्तान बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, तो अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड कर लेते हैं तो इससे उनका भी फायदा है हमारा भी फायदा है। ये तो नहीं कि वो खाली पाकिस्तान ही इंडिया से चीजें ले रहा था, इंडिया वाले भी पाकिस्तान से जो है चीजें ले रहे थे, तो दोनों का नुकसान है। अगर अगर मेरे ख्याल से वही वाली आपकी बात है कि पहल करना है, अब वो अन्ना की बात आ जाती है ना कि यह पहल कौन करे, मैं करूँ या वो करे, इंडिया वाले तो जारी बात है कभी करेंगे नहीं क्योंकि वो उनके हालात पाकिस्तान से बेहतर है। अगर पाकिस्तान अगर हाथ बढ़ाना चाह रहा है तो मेरे ख्याल से उसको खुश दिली से अपनाना चाहिए, इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए कि जी पाकिस्तान तो अब घुटनों पर ही आ गया है और पाकिस्तान ये हो गया पाकिस्तान वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा है लेकिन थोड़े भी मुश्किल हालात हैं। अगर उसने हाथ आपकी तरफ बढ़ाने का सोचा है तो मेरे ख्याल से उसको जो है अच्छे तरीके से खुश आमदीद कहना चाहिए। ठीक है कश्मीर का मामला है वो कभी हल नहीं होने वाला, ना आपकी तरफ से ना हमारी तरफ से, अगर हम लोग अड़े हुए हैं तो आप लोग भी जो है वो अड़े हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली आप लोग जो कह रहे हो हाँ जी कश्मीर हमारा ही है ये इनका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर ट्रेड की बात करें मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज को जो है वो इसको लाजमी करना चाहिए। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।